वेलकम बैक गाइस टू वी यूट्यूब चैनल। ये एक देसी ब्लॉग है, इसमें आपको फिर भी मैं देसी ब्लॉग के साथ आपको कुछ एजुकेशनल चीज़ें यहाँ पे बताना चाहूँगा, जिसके लिए मैंने स्पेशली अपलोड की है। हम लोग हमेशा से यही कहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। आज मैं एक ऐसी जगह खड़ा हूँ जिस चीज़ को देख कर आप बोलोगे कि नहीं यार मैं कर सकता हूँ, डेफिनेटली मैं कर सकता हूँ। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं अभी शमशान घाट में खड़ा हूँ। मेरे पीछे दो मुर्दे जो हैं वो जलाए गए हैं, आप देख सकते हो। वो आप काला काला जो निशान देख रहे हो ना, वो मुर्दे हैं जो जलाए गए हैं वहाँ पे। और अगर आप उसके आसपास देखोगे तो ये कुछ बच्चे हैं जो खेल रहे हैं, उसी के ऊपर दौड़ रहे हैं। और ये मैं थोड़ा आपको गांव का एरिया भी दिखा देता हूँ। पीछे आपने देखा होगा वो कंकर जो है, तकरीबन देख रहे हो मतलब जानवरों को भी पड़े हुए हैं। तो अब मैं ये चीज़ें क्यों दिखा रहा हूँ और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि भाई आप कर लोगे कुछ भी अगर आपने करना होगा, तो बात कुछ ऐसी है कि हम लोग क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं हमारे पास ये रिसोर्सेस नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि देखो, ज़िंदगी में रिसोर्सेज के पीछे भागोगे ना तो कुछ नहीं हो पाएगा। जो आपके पास है ना, जितने रिसोर्सेज हैं आप उसी को यूटिलाइज़ कीजिए, आप ज़िंदगी में हर एक चीज़ कर सकते हो। मैं आपको अभी दिखाऊंगा शमशानगढ़, वो जो मतलब जहाँ पे मुर्दा जलाया गया है वो चीज़ दिखाऊंगा और आपको पास ले जाऊंगा कि देखो इन बच्चों के मन में हम बोलते हैं ना एक डर भी नहीं है उस चीज़ का और अपने खेल में मस्त हैं। तो इसी तरह से कहते हैं जो चीज़ करनी है लगन से करो, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए वो आप कहाँ पे कर रहे हो, किस रिसोर्सेज के साथ कर रहे हो, ठंड है, सर्दी है, गर्मी है, क्या है क्या नहीं है, उस चीज़ का ना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए यार। ये सबसे बड़ी चीज़ होती है ऑलमोस्ट। तो हमारे मैं कहता हूँ कि लोग ये कहते हैं अरे नहीं यार वहाँ नहीं जाना चाहिए, अशुभ है, ये है, वो है। तो देखो अजीब ही चीज़ जो मुझे देखने को मिली, मैंने आपको बोला भी था कि मैं देसी ब्लॉग दूँ या नहीं दूँ, तो 83% लोगों ने वहाँ पे वोटिंग की थी कि हाँ भाई देना चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम यहाँ पे आऊँगा तो मैं आपके लिए देसी ब्लॉग ज़रूर दूंगा। अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे सीखने को मिलेंगी। मैं कहता हूँ गाँव से भी बड़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हमें देखने को मिलती हैं और अपने आप में हम चेंजेस जो हैं वो ला सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल चलो मैं आपको थोड़ा सा वहाँ पे ले चलता हूँ और दिखाता हूँ उस चीज़ को, देखो और बिलीव करो या ना करो वो आप पे। सो दिस इज जो मैंने आपको कहा, और पीछे अभी ये तकरीबन जो है घर जाने वाले हैं, मैं आपको बता दूँ। तो जैसा कि मैंने आपको कहा, आपकी जो एक कंसंट्रेशन है ना वो होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये देख लो, एक ये है और एक वो है। जब तक आप किसी चीज़ को दिल से नहीं करोगे तब से कुछ भी नहीं आप कर सकते ज़िंदगी में। एक चीज़ मेरी याद रखना, और ये देख लो ये खेल रहे हैं, ये एक बाल करवाने जा रहे हैं। चलो मैं आपको इनसे पूछता हूँ कि इनके मन में क्या है, तो देखते हैं ये क्या सोचता है। चलो मैं इसको बुलाता हूँ, एक छोटे को, छोटे इधर आना, चलो इससे पूछते हैं ये क्या है। एक मिनट, कोई भी एक आ जाओ इधर, ये डर रहे हैं, मुझसे डर रहे हैं लेकिन यहाँ से नहीं डर रहे हैं। देखो कैसे है कि ये डर रहे हैं। अरे कोई भी आ जाओ, जो बड़ा है, जो बड़ा है वो आ जाओ मेरे पास। अरे कोई बात नहीं कर सकता, ये मुझसे डर रहे हैं लेकिन इधर आओ, छोटू इधर आओ। देखो ये है, चलो इससे मिलवाता हूँ मैं आपको। भाई आपका क्या नाम है? करण। करण भाई ये क्या है पीछे? नहीं जो भी आप बोलते हो लैंग्वेज डोगरी, क्या है ये? बंदा जलाया गया यहाँ पे, लाश फूकते हैं, मतलब शमशान घाट है ये, ठीक है। तो आप सबको यहाँ पे डर नहीं लगता? लगता है लेकिन हम खेलने के लिए तो देखो, चलो ठीक है। देखो क्या कितनी बड़ी बात कह रहा है वो बंदा, ये कह रहा है कि भाई खेलने का शौक है। तो शौक और कंसंट्रेशन बनाए रखो, जिंदगी में कामयाब होना है तो भाई रनिंग के लिए आप मुझे बोलते हो रनिंग नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, भाई आपकी कंसंट्रेशन जब तक नहीं होगी आप कुछ नहीं कर पाओगे। रिसोर्सेज कहीं भी अकेडमी में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, कुछ नहीं होने वाला जब तक आपकी कंसंट्रेशन नहीं है। रिसोर्सेज के पीछे मत भागो। बस आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ पे आऊँगा तो देसी ब्लॉग आपको दूंगा। अभी फिलहाल मैं यहीं पे हूँ, मुझे फिर भी इस वीडियो पे कमेंट करके बताना, मैं मोबाइल से ही आपको शूट करके बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो सीखने को आपको मिलेंगी। तो प्लीज़ मुझे बताना यार कि वाकई में आप चाहते हो यहाँ का ब्लॉग या फिर नहीं चाहते हो, ये चीज़ मुझे बताना। बाकी एरिया तो बहुत प्यारा है, और पीछे जो है आप देख रहे हो, आपको नदी लग रही होगी, ये ऐक हम इसे बोलते हैं। बचपन में बहुत नहाया करता था, अब तो ये सूख चुकी है ऑलमोस्ट। तो चलो मिलूंगा आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। और कैसा लगा ये ब्लॉग मुझे ज़रूर बताओ।